नमस्ते दोस्तों, आप सब कैसे हो। तो आज मैं बना रही हूँ सीताफल की सब्जी। ये एक सूखी सब्जी हम बनाएंगे, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी। आप इसको पूरी के साथ, बहुत ही टेस्टी लगती है, चावल और पराठे के साथ भी आप खा सकते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो। सब्सक्राइब तो ज़रूर करें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो भी देख सकें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। तो हमने यहाँ पे आधा किलो यानी कि 500 ग्राम हमने सीताफल ले लिया है। इसको हमें अच्छे से छील के, इसके सारे छिलके उतार के, उसके बाद इसको पतले पतले टुकड़ों में काट लेना है। उसके बाद हमने लिया है यहाँ पे एक सूखी मिर्च ली है मैंने, उसको दो टुकड़े कर लिए, थोड़ी सी जीरा लिया हुआ है हमने, और एक चुटकी हींग लिया हुआ है। फिर हमने सरसों का तेल लिया हुआ है, हम ये 2 बड़े चम्मच तेल यूज़ करेंगे, सरसों का तेल। फिर हमने यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक लेना है हमें, और हमने थोड़ा सा जीरा पाउडर भी लिया हुआ है। आधा आधा चम्मच हम इसी चम्मच से आधा चम्मच जीरा पाउडर लेंगे, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर लेंगे, और हल्दी भी आधा चम्मच लेंगे। ये हमने हरी मिर्च ली हुई है, लाल और हरा मिर्च दोनों मिक्स करके हमने कट कर लिया हुआ है। 4 हरी मिर्च लिए हुए हैं जिसको बीच में से चीरा लगा के कट कर लिया हुआ है। थोड़ा सा धनिया पत्ता हमने लिया हुआ है, और एक मीडियम साइज़ का प्याज हमने जिसको पतले पतले ऐसे काट लिए हुए हैं। फिर हमने यहाँ पे इस साइज़ के चम्मच से, ये मीडियम साइज़ का चम्मच है, इससे हमने 1 चम्मच चीनी ले लिया हुआ है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमने अच्छे से इसको कट कर लिया हुआ है, इसके छिलके उतार के। ये देखिए, इस टाइप में आप भी कट कर लीजिए। सॉरी, मैं आपको बताना भूल गई, ये मैंने थोड़े से काले चने लिए हुए हैं जिसको मैंने 3 से 4 घंटे भिंगो के रख दिए थे, इसे भी हमें यूज़ करना है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी है, गैस को तेज कर दिया हमने, इसको थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। फिर इसमें हम 2 बड़े चम्मच तेल डाल देंगे। अब हम इसमें, देखिए हमारा कढ़ाई गर्म हो चुका है, अब इसमें हम 2 बड़े चम्मच तेल डाल देंगे। ये हमने 2 बड़े चम्मच तेल डाल दिया हुआ है, इसको हम थोड़ा गर्म होने के लिए छोड़ देते हैं। तो हमारा तेल गर्म हो चुका है, अब इसमें हम सूखी मिर्च और हींग और जीरा डाल दिया हमने। अब हम प्याज भी डाल, देखिए हमने प्याज भी डाल दिया, और इसको हल्का गुलाबी होने तक भून लेंगे। तो देखिए, हमारा प्याज हल्का गुलाबी हो चुका है, अब इसमें हरी मिर्च भी डाल देंगे। अब हम इसमें सारे सीताफल भी डाल देंगे, और अच्छे से इसको मिला लेंगे हम। गैस हमें तेज रख के इसको थोड़ा सा भून लेंगे हम। गैस को हमने पूरा तेज कर लिया हुआ है, और अच्छे से इसको हम भून लेते हैं। ये हमने थोड़ी देर भून लिया है, अब इसमें हम आधे से ज़्यादा थोड़ा सा नमक डाल लेंगे, 1 चम्मच के आसपास। आधा चम्मच हम हल्दी डाल देंगे, आधा चम्मच हम लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, और आधा चम्मच ही हम जीरा पाउडर भी डाल देंगे। अब इन सारे चीज़ों को अच्छे से हम एक बार भून लेंगे। तो देखिए, हमने अच्छे से इसको भून लिया हुआ है, अब इसको हम थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं। इसमें हम चने भी डाल देंगे, अब इसमें हम चने भी डाल देंगे सारा, और अच्छे से इसको मिला लेंगे। अब इसको हम ढक्कन ढक के 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। तो ये हमने ढक्कन ढक दिया, इसको अच्छे से थोड़ी देर पकने देते। तो चलिए, हम अपनी सब्जी को एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए, हमारा सब्जी बनकर तैयार हो चुका है, और ये गल भी चुका है। ये देखिए, इस टाइम पे हम चीनी भी डाल देंगे इसमें। तो हमने इसमें चीनी डाल दिया हुआ है, और अच्छे से एक बार मिला लेंगे इसको। तो चीनी डाल के हमने अच्छे से मिला लिया हुआ है। अब इस, देखिए हमारा चीनी भी अच्छे से इसमें मेल्ट हो चुका होगा। अब इसमें हम धनिया पत्ता डाल देंगे, और इनको भी अच्छे से मिला लेंगे। तो हमारी सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है, इसको फटाफट एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो देखिए, हमने एक बाउल में निकाल लिया हुआ है,
ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। उम्मीद करते हैं आपको बहुत पसंद आएगी, और आप इसको पूरी के साथ खा के देखिए, बहुत ही टेस्टी लगेगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।